नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई खूबसूरत प्रॉपर्टी की वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस घर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में जिस लोकेशन पे मैं आपको लेके आया हूं। ये है सेक्टर 123 न्यू सनी इनक्लेव मोहाली। फ्रेंड्स, इस लोकेशन की भी एक खास बात है, वो ये कि ये जो लोकेशन है, यानी कि ये जो घर आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है बिल्कुल एडजॉइनिंग 200 फुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। यानी कि 200 फुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड से इस घर की दूरी हार्डली 200 से 300 मीटर के बीच में है। यानी कि बहुत अच्छी जो अप्रोच है वो आपको मिल जाती है। ठीक बैक साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुंदर 125 गज का नॉर्थ फेसिंग घर आज आपको मिलने वाला है 4 BHK के साथ, जहां 2 BHK आपको मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पर और 2 BHK आपको मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। उसके अलावा अगर आप सेकंड फ्लोर बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, यहां पे एक जो काइंड ऑफ रॉ हाउसेज है वो यहां पे आपको मिल जाते हैं, पक्की रोड्स यहां पे आपको मिल जाती हैं। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, एक सुंदर एलिवेशन आपको मिलने वाला है। इवन जो उसकी बाउंड्री वॉल है वहाँ देखेंगे, वहाँ भी आपको डिजाइनिंग मिल जाती है। अगर आपके पास छोटी कार है, इजीली जो पैरेलल आप पार्किंग यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक रैंप आ जाता है और एक कार आप घर के अंदर भी पार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बड़ा सा आयरन का गेट आपको मिल जाता है और यहाँ पे आता है आपका पार्किंग एरिया। और एक कार आप घर के अंदर पार्क कर सकते हैं, आपका इन्वर्टर गैस सिलेंडर यहाँ आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 2-व्हीलर है उसको इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आती है इसकी मेन एंट्रेंस। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ भी इस वॉल को ब्यूटीफाई किया गया है। और इवन मैं बात करूँ सीलिंग की, तो यहाँ भी डिजाइनिंग दी गई है कंसील लाइट के साथ। और यहाँ पे आता है इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ अगर आप देखेंगे मैश डोर आपको मिल जाता है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर को मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। बट फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे। आप देखेंगे यहाँ पर जो बड़ा सा डोर है, काफी वाइड डोर है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन एंट्री पे। और यहाँ पे आता है इसका ड्राइंग एरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी अच्छा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इवन ड्राइंग एरिया में भी टीवी पैनल आपको दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे वुडन का डिजाइन मिलता है, छोटी छोटी लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है। अगेन वेंटिलेशन और सनलाइट दोनों ही यहाँ पे मिलती रहेंगी। स्टील के बार्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। पूरी ही वॉल पर वॉलपेपर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा प्री फिटेड जो एसी की पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और यहाँ देखेंगे काफी सुंदर जो वुडन का डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्टीशन में। और यहाँ पे आता है आपका डाइनिंग एरिया। इवन डाइनिंग एरिया में आप देखेंगे यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग दी गई है। उसके अलावा जो हैंगिंग डिजाइनर लाइट्स है वो यहाँ बीचों बीच मिल जाती है आपके डाइनिंग एरिया में। और यहाँ पे बड़ा सा जो एक डिस्प्ले कैबिनेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप चाहें तो उसको बार की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक सामने यहाँ पे आता है इसका मॉड्यूलर किचन, एल शेप की किचन यहाँ पे आपको दी गई है। उसके अलावा पेंट्री का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरेज के लिए। ड्रॉस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं, स्पेस रहेगा आपकी हॉब के लिए। चिमनी का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, डबल सिंक आपको मिल जाता है यूटेंसिल वॉशिंग के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टैप्स की फिटिंग आपको करके दी जाएगी और ये स्पेस रहेगा आपके फ्रिज का। और फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था 2 BHK का जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपको मिलने वाला है और 2 BHK आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारे ग्राउंड फ्लोर का। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 125 गज के हिसाब से काफ़ी डिसेंट साइज आपको मिल जाता है आपके बेडरूम का। यहाँ भी देखेंगे डिजाइनर लाइट्स आपको मिल जाती हैं, वॉलपेपर आपको मिल जाता है खूबसूरत। उसके अलावा स्लाइडिंग वार्डरोब्स मिल जाती हैं, वो भी फुल हाइट की। उसके अलावा यहाँ भी आपको शोकेस करने के लिए जो शेल्फ्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। टीवी पैनल आप देखें काफ़ी सुंदर और डिजाइनर टीवी पैनल यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगेन वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए यहाँ भी प्रोविजन आपको मिल जाती है। ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है आपके बेडरूम में। अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है फुल हाइट की टाइल्स के साथ। और सारी ही जो बाथ फिटिंग्स है वो कंप्लीट आपको दी जाएंगी इस वॉशरूम के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट बेडरूम के बाद अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। स्पेस की मैं बात करूँ, सेम साइज का बेडरूम यहाँ भी आपको मिलने वाला है। यानी कि दोनों ही बेडरूम सेम साइज के आपको मिलने वाले हैं। यहाँ भी डिजाइनर लाइट्स आपको मिल जाएंगी, वॉलपेपर आपको मिलने वाला है, एसी की प्री फिटेड पाइपलाइन यहाँ पे मिलने वाली है। अगेन यहाँ भी फुल हाइट की स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ भी आपको शोकेस करने के लिए शेल्फ्स मिल जाते हैं। ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। अटैच जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टीवी पैनल की, तो यहाँ भी सुंदर
डिजाइन वाला लाइट्स के साथ डीवी पैनल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे डोर जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक्सेस आपको मिल जाती है बैकयार्ड में आने के लिए, तो बैकयार्ड में अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसके अलावा जो क्रॉस वेंटिलेशन है हवा की वो पूरे ही घर में आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके चलूंगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये स्टेयर्स रहेंगी आउटर स्टेयर्स जहां से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों यहां पे आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले तो यहां अगर आप देखेंगे जो उसकी आउटर बालकनी है यहां भी काफी स्पेस आपको मिल जाता है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था जो पक्की रोड्स हैं वो यहां पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहां भी प्रॉपर ब्यूटीफाई किया गया है इस वॉल को भी। तो यहां भी आप देखेंगे यहां भी सीलिंग पे डिजाइन आपको मिल जाता है और वॉल पे भी डिजाइन आपको दिया गया है। और यहां पे आती है इसकी मेन एंट्रेंस। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ भी एक लिविंग एरिया आपको मिलने वाला है। बट सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि जो इसका लिविंग एरिया है थोड़ा सा छोटे साइज में मिलने वाला है आपको। और ठीक सामने यहाँ पे किचन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको एल शेप की जो किचन है वो मिलने वाली है। फुल्ली मॉड्यूलर किचन यहाँ भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी बीचों बीच जो डिजाइनर हैंगिंग लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। यहाँ भी एक डिसेंट साइज का बेडरूम आपको मिलने वाला है। वॉलपेपर आपको मिल जाएगा, स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको मिल जाएगी, फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगेन वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए यहाँ पे विंडो आपको मिल जाती है। टीवी पैनल यहाँ पे आपको दिया गया है। इवन यहाँ पे भी आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाता है। यानी कि हर बेडरूम में आपकी हर जरूरत का जो सामान है वो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम यानी कि इस घर का लास्ट बेडरूम। तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी वॉलपेपर आपको मिल जाता है, फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ड्रेसिंग का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, टीवी पैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ भी पूरा ध्यान रखा गया है वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए, और अटैच वॉशरूम यहाँ भी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ पे आप देखेंगे वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज हो सकता है और हमारे फर्स्ट बेडरूम के लिए भी ये यूज हो सकता है। और फ्रेंड्स उसके बाद हम चलते हैं हमारे आउटर एरिया की तरफ यानी कि हमारी बैक बालकनी की तरफ। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा स्पेस आपको मिल जाता है जहाँ की आप सिटिंग कर सकते हैं। इवन यहाँ भी टैप्स दे दिए जाएंगे आपको, यहाँ भी आप वॉशिंग मशीन की जो सेटअप है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और जो आयरन स्टेयर आप देख रहे हैं आप टेरेस की तरफ जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, अगर आप सेकंड फ्लोर बनवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 125 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ इंडिपेंडेंट 4 BHK डबल स्टोरी हाउस। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सेक्टर 123 न्यू सन एनक्लेव में ये घर आपको मिलने वाला है। नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी ये रहेगी, तो वास्तु के हिसाब से भी एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में वहां पे आके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे इससे भी एक खूबसूरत प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।